टू ए ब्रांड न्यू वीडियो। और आज के दिन मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होने वाला हूँ। ये सेटिस्फाई वर्ड ये सुन के तुम्हें क्या लगता है कि रचित भाई सेटिस्फाई होंगे? बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि ये क्लिप, तुम्हें क्या लगता है कि ये क्लिप देखने के बाद मैं सेटिस्फाई होने वाला हूँ? मैं ऐसी चीजें देखने से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होऊंगा। मेरे को सेटिस्फाई करना बहुत ज्यादा हार्ड है। That's right, everybody. मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होता हूँ। इसी वजह से आज के दिन हम लोग देखने वाले हैं कुछ ऐसी वीडियोस जो कि आपने कभी भी नहीं देखी होंगी। इन वीडियोस को जो भी देखता है वो बहुत ही ज्यादा जल्दी सेटिस्फाई हो जाता है, मतलब वो स्वर्ग में पहुंच जाता है। और आज के दिन मेरा चैलेंज यही है कि मेरे को विदाउट सेटिस्फाइंग ये सारी वीडियोस देखनी है। एंड ये चैलेंज तुम्हारे लिए भी है। लेट मी सी आखिर तुम लोग कितने ज्यादा होशियार हो, क्या तुम ये पूरी वीडियो विदाउट अच्छा फील किए हुए देख सकते हो? मेरे को पता है तुम लोग नहीं देख पाओगे, चीटिंग करोगे, लेकिन ये चैलेंज सिर्फ और सिर्फ मैं ही कंप्लीट कर सकता हूँ। ओके, हियर वी गो, सेटिस्फाइंग वीडियो। मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होऊंगा। ओके, ये देखो बहुत जल्दी जल्दी ये कट कर रहे और बहुत ज्यादा जल्दी कट कर रहे, लेकिन नहीं, मेरे लिए सेटिस्फाइंग नहीं था। उसने क्या किया? कुछ भी नहीं। उसने ये देखो, उसने बस एक बहुत ज्यादा स्पीड से बहुत अच्छी तरीके से एक गन्ने को कट ही तो किया है। इसमें क्या सेटिस्फाइंग था? तुम लोग सेटिस्फाई तो नहीं हो गए ना? सेटिस्फाई नहीं होना है, मुझे पता, तुम लोग नहीं कर पाओगे ये चैलेंज सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। लहस्को रचित्र को बिल्कुल भी सेटिस्फाई होना है, चाहे कुछ भी आ जाए मैं बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं करूंगा। ओ, ये क्या कर रही है? ओ, ये लेजर कटिंग हो रही है क्या? ओ भाई, ओके, अच्छा इस तरीके से जीन्स फाड़ी जाती है। अच्छा, ये जो मेरे जीन्स में ये फटी होती हैं, इन पागल लोगों की वजह से फटी होती है भाई ये डिजाइन। लेकिन मैं इसमें बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। वैसे कैसे किया था ये देखना है मेरे को दोबारा से। ओ अच्छा, लेजर से हुआ था, समझ गया मैं। ओ और ये इसको खींच देगा। अबे काफी इजी है, मेरे को नहीं पता था कि इतना ज्यादा इजी होता है। मेरे को लगता था भाई कि कोई कैची लेके भाई ऐसे ऐसे काटता होगा, भाई कितना टाइम लगता होगा, ये तो एक सेकंड का काम था। अब से ऐसे पेंटिंग नहीं लिया करूंगा भाई। पहले मेरे को लगता था मेहनत लगती है इसलिए मैं खरीद लेता था, अब तो कहूंगा कि भाई फटा हुआ पेंट इतना महंगा देते हो, नहीं लूंगा भाई मैं। ओ ये कौन सा फ्रूट है? ओ हो, इसकी आवाज। ओके, ये खोलने वाली है क्या? ओ हो, नहीं, ये सेटिस्फाई वाला सीन नहीं था। ठीक है, मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ, वो बस मैंने आवाज निकाली थी। ओ ओ, व्हाट द हेक भाई, दिलकश, व्हाट द हेक। अरे वो सच्चे में अच्छा था यार। एक्चुअली अगर तुम लोग को समझ में नहीं आया कि अभी क्या हुआ तो मैं तुम लोग को बताता हूँ। यहाँ पे तुम ये जो मशीन देख रहे हो और यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर कुछ दिल टाइप के वो पेंडल्स मिलते हैं जो कि तुम अपने गले में डालते हो या हाथ में लाइक बैंड बनाते हो, तो ये हर्ट्स रहे, ये मशीन इन हर्ट्स में कलर्स भर रही है भाई, कितनी स्पीड में। ये अच्छा था। ओ माई गॉड भाई, ये कौन सा रेस्टोरेंट है भाई, और ये वेटर्स थे, ये क्या थे भाई, ये मजाक चल रहा है? ओ भाई, मेरे को ऐसे ही रेस्टोरेंट में जाना है गाइस जहाँ पे वेटर्स जो हैं वो इस तरीके से चलते हो। नाइस, वेरी नाइस। वैसे भाई जो वेटर पानी लेके जा रहा होगा या कोई बोतल लेके जा रहा होगा और वो बोतल कांच के नीचे गिर गई तो फिर क्या होगा? वेटर को सीधा नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ओके, यहाँ पर एक गंजे अंकल है जिनके यहाँ पर बिल्कुल भी बाल नहीं है। वैसे अभी मेरे बाल आ गए हैं, ठीक है, मेरे को कोई गंजा नहीं बोलेगा, मेरे जैसे बाल नहीं है। और अभी देखो, वो ओ भाई, What is this? क्या है ये? एक सेकंड के अंदर इतने बड़े बड़े बाल कैसे आ सकते हैं? अरे बेइज्जती कर दी हमारी यार, 2 महीने से बाल बड़ी नहीं हो रहे हमारे। तो गाइस, यहाँ पर हमारे सामने एक बहुत ही शक्तिशाली लड़का है जो कि मेरे हिसाब से कुछ अजीब स्टेप्स करने वाला है। ओ माई गॉड, कैसे किया भाई इसने ये? ओ भाई, मैंने ऐसा ट्राई किया भाई, इम्पॉसिबल भाई, बहुत हार्ड होता है ये भाई, बहुत ज्यादा पावर लगानी पड़ती होगी भाई इसको। पूरा शरीर उठा दिया भाई उसने। नाइस ब्रो, वेरी नाइस। ओके गाइस, तो ये है फ्यूचर वाली टेबल्स। तो अगर आप इन टेबल्स को इस तरीके से घड़ी करते हैं तो इस तरीके से ये पूरी घड़ी हो जाएंगी, एंड अगर आप इनको खोलते हैं तो ये इतनी ज्यादा खुल जाएंगी।
ओहो यार एक्चुअली बचपन में मैंने भी ये बहुत बार मेला से खरीदा है, हालांकि मैं इतना अच्छा नहीं कर पाता था जो ये कर रहा है। मैंने भी ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है, लेकिन इसको क्या कहते हैं मेरे को ये याद नहीं आ रहा है। बहुत छोटे में लिया करता था मैं ये। ओ टेबल से पता है, एक टेबल से लैपटॉप निकल रहा भाई, टेबल से कंप्यूटर निकल गया भाई साहब। अब टेबल्स के अंदर से कंप्यूटर निकलने लगा यार। आखिर ये टेबल इतनी मोटी भी थी क्या, मेरे को देखना भाई दोबारा से। ओके तो ये इतनी जगह है, ये जगह ओपन होती है एंड उसके बाद निकलता है और वहां पे एक बहुत बड़ा वाला निकलता है भाई कंप्यूटर। एक्चुअली स्क्रीन्स हैं ये मीटिंग के लिए और ये ओपन भी हो गई, ये देखो इसका मतलब ये रियल है। और माइक भी निकल रहा भाई साइड से, ये माइक ही है क्या। ओ नाइस यार, ऐसी टेबल हमको भी चाहिए यार। एक्चुअली उसके लिए बढ़िया है भाई, अगर खाना खा रहे हो ना डाइनिंग टेबल पे, आप खाना खाओ और यहाँ पे मेरी वीडियोस लगा लो, सेल्फ प्रमोशन नाइस। तो यहाँ पर मेरे को एक आदमी दिख रहा है जिसके पीछे बहुत ज्यादा लोग हैं। स्पेशली भाई इसको देखो। ये लग रहा कि भाई अभी अभी उठ के आया है भाई, नींद से लग रहा भाई। और ये इंसान अपना मुंह खोले हुए है, नीचे वाले सारे लोग इसकी तरफ देख रहे हैं, इधर के भी लोग सारी तरफ इसके तरफ देख रहे हैं। लेट्स सी ये क्या करने वाला है। मेरे हिसाब से ये जंप ही मारेगा यहाँ से। ओके मारी जंप, मार 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 मार। ओए भाई ये तो ऐसे गिरा जैसे बेहोश हो गया हो। वेट तुम लोग को दिखाता हूँ। यस गिरा 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 गिरा। ओ वो बिल्कुल भी नहीं हिला, लाइक जिस पोजीशन में था, मतलब वो ऐसी पोजीशन में था। और ओ माय गॉड भाई वो गिरने के बाद भी पोजीशन चेंज नहीं किया। वैसे मैं बातों में चैलेंज तो भूल ही गया, मेरा चैलेंज था ट्राई नॉट टू सेटिस्फाई, और मैं हर वीडियो पे सेटिस्फाई हो रहा हूँ अब। ओके तो इसके पास एक रिमोट कंट्रोल बाइक है, लेट्स सी कि ये बाइक क्या कर सकती है, ये रोबोटिक बाइक में कितनी ताकत है। ओके इसने नीचे रखी, आई थिंक सो ये ज्यादा देर चलेगी भी नहीं यार। व्हाट ओ माय गॉड, मेरे को लगा था भाई वो बाइक चलेगी भी नहीं, वो तो दौड़ रही थी यार। रुको ये बाइक कितने की आती है, वेट मेरे को ये देखना भाई ये बाइक कितने की आती है। सस्ती वाली रिमोट कंट्रोल बाइक, ओ भाई सस्ती वाली 8000 की आती है। ओ माय गॉड ये बहुत ज्यादा महंगी है भाई, इतनी महंगी नहीं ले सकते हम। ओके तो अभी गाइस हमारे सामने एक जादूगर है जिसके पास ये दो अंडे हैं। अंडे ही है ना ये। ओके लेट्स सी ओ नहीं, नकली भाई 100% नकली। वेट कैसे हुआ भाई वो। ओके तो ये बंदा रहा, ये मारी जंप इसने, व्हाट द हेक भाई, लेकिन कैसे मेरे को ये तो समझ में आ गया कि हाँ जंप मारी है इसने और इन चीजों के ऊपर ये खड़ा हुआ है, ये मैं समझ गया। लेकिन भाई ये अंडे हैं पत्थर नहीं, ये अंडे भूल गए हैं क्या, ये अंडे हैं पत्थर नहीं भाई। इन अंडों का ब्रेन वॉश किया गया भाई, इन अंडों को बताया गया कि ये पत्थर है। वेट अ मिनट, ये वाला अंडा देखो भाई, ये फूट नहीं रहा जबकि आई डोंट नो, मेरे को बता किस किस को लगता है ये नकली है यार। मेरा दिमाग फटा जा रहा भाई इसको देख के अब। ओए असली थे ये अंडे, ये उतरा करा ली बेइज्जती भाई, बहुत गंदी वाली बेइज्जती करा ली मैंने। मैंने कह दिया भाई ये नकली अंडे और उस असली अंडे, 80 किलो का वजन लेके अंडे नहीं फूटे और उसने एक ऐसे करके मार दी उसमें फूट गए भाई। ये कैसी भाई, कौन से दुनिया में जी रहा हूँ भाई, मेरे को लगता मैं ही एलियन हूँ। अभी गाइस तुम लोग के सामने मैं सबसे सेटिस्फाइड चीज दिखाने वाला हूँ जो की इसकी आवाज है, सुनना तुम। ओह माय गॉड भाई सेटिस्फाइंग चीजों में जब इस तरीके की आवाजें आ जाती है ना धीरे धीरे। ओह नाइस फाइनली मैं सेटिस्फाई हो चुका हूँ, बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हो चुका हूँ। ओके तो अभी हमारे सामने एक रोबोट है जो कि सच्ची में बहुत ज्यादा खतरनाक रोबोट है, ये देखो। व्हाट द हेक भाई, ये रोबोट नहीं है यार, ये कोई आदमी है भाई इस कॉस्ट्यूम के अंदर। और अगर आदमी है तब भी कितना अच्छा कॉस्ट्यूम लग रहा है भाई, इतना लंबा आदमी भी नहीं हो सकता ये देखो। तो यहाँ पर एक टॉय है जिसके पंख हिलते हैं और ये तोता जैसा दिख रहा है, ये देखो भाई कितने तेज पंख इसके हिल रहे हैं। और जब हम इसको छोड़ देते हैं तो भाई ये उड़ता है,
और उड़ने पे ये असली तोता लग रहा है भाई, ये देखो। नाइस, कितना असली लग रहा था भाई, तो बिल्कुल रियल तोता लग रहा था। ओके, तो जो तुमने अभी मंकी किंग वाला देखा था, तो मंकी किंग वाला वो एक रोबोट नहीं था, वो एक आदमी था उस सूट के अंदर, और सूट कुछ इस तरीके के पहनते हैं, ये देखो। ओ भाई, छोटा सा आदमी कितना लंबा लगने लगा और पूरा सूट पहना दिया, असली ट्रांसफॉर्मर लग रहा है, ये देखो। ओ माय गॉड, असली ट्रांसफॉर्मर लग रहा था यार। वेट वेट वेट, दोबारा दिखाता हूँ तुम लोग को, ये देखो। तो ये है, छोटा सा आदमी है भाई ये, और ये इस सूट को पहनता है जिससे ये कितना लंबा हो जाता है भाई, पैर इसके कितने बड़े हो गए ये देखो, और फिर बाकी का सूट इसको पहना देते और फिर चेहरा अब असली ट्रांसफॉर्मर लग रहा था भाई। ये देखो भाई, लड़कियां कितनी छोटी लग रही है भाई, उसके पैरों तक आ रही है भाई लड़कियां, ये देखो। ऐसा सूट मेरे को भी चाहिए, मैं और लंबा हो जाऊंगा। ओके, तो गाइस, तुम लोगों ने दिवाली पे रॉकेट चलाए होंगे, लेकिन क्या तुम लोगों को पता है कि आखिर रॉकेट कैसे उड़ता है? तुमने दूर से देखा होगा ऐसे करता है, लेकिन रॉकेट के पास अगर कोई कैमरा लगा हो तो वो कैसा दिखेगा? ये देखो, आग लगाई इसने और ये गया। ओ माय गॉड, कितना अच्छा सीन लग रहा भाई, और कितना दूर तक रॉकेट गया। ओ, अब गिरा, अब भी नीचे गिरेगा भाई ये। ओहो नाइस। ओके, तो मेरे सामने एक गेट दिख रहा है मेरे को, जो कि इसने खोला और व्हाट? ओ माय गॉड, ये कितना खतरनाक गेट है भाई, एक तरफ से दूसरी तरफ जाने वाला है भाई, ये गेट फोल्ड हो जाता है पूरा। ओके, तो अभी हमारे पास कुछ और खतरनाक से ट्राई नॉट टू इम्प्रेस वाले वीडियोस हैं, और ये वीडियोस इतने ज्यादा खतरनाक हैं कि कहा जाता है कि इम्पॉसिबल है कि आप ये वीडियोस देखने के बाद वाओ ना बोलो, लाइक लेट्स सी। मैं नहीं बोलूंगा वाओ, बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। इसमें भी नहीं, नहीं नहीं नहीं, मेरे को और खतरनाक चीज चाहिए। इसमें कुछ भी नहीं था, उसने बाइक का पिछवाड़ा उठाया और वो खुद नीचे गिर गया, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं था। नोप नोप, बिल्कुल भी नहीं। सख्त रचित सख्त। ओके This was unexpected. भाई कितने आराम से, भाई ये लड़का कितने आराम से देख रहा है, इसको नहीं पता आगे क्या होने वाला है। हे, ये मेरी पैर की उंगली, छोटी पैर की इस छोटी उंगली का काम है ये, तो मैं दो सेकंड में कर देता हूँ। कोई सेटिस्फाइंग वाली चीज है ना, देखो नीचे और गिर गया भाई, कितने पागल लोग हैं। ये तो मैं दो सेकंड में कर लेता हूँ, ये देखो। तुम्हें लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा? रुको, कर दिया। No comments. Oh my God, कितनी बेइज्जती कराऊंगा मैं अपनी। ओ हो, मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगा इसमें, हैं? कुछ भी नहीं। ये कौन सी कार है? मेरे को पता था आने वाला है ये भाई, रशियन मीम आने वाली है, पता था। माय गॉड, इतना होशियार कुत्ता। ये आदमी ने कुछ नहीं किया भाई, ये कुत्ते की वजह से मैं इंप्रेस हुआ हूं, आदमी ने कुछ भी नहीं किया था। फाइनली ये अच्छा था, वन लाइक। Oh my God, ये अच्छा था। Okay, cool. तो यार guys, I think that's it for this video. Hope so guys, तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई है, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरा नाम है रचित, एंड मैं मिलूंगा तुम लोग को एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए।